हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे। गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसमें मैंने एक प्याज को काट के अभी चॉप करके इसमें डाल दिया है। अभी हम जाएंगे अपने गार्डन में और उसमें से धनिया लेके आएंगे। तो चलिए हम अपने गार्डन में से ही धनिया को ही तोड़ लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर नया वाला धनिया अब लगवाया है, पहले यहाँ लगा हुआ था कि ये सूख गया है। अब न्यू वाले में से धनिया को तोड़ लेंगे। ऐसे ही करते हैं, ये सारी से पत्तियां ऐसे तोड़ लेंगे। ताजे धनिये का अपना ही अलग स्वाद होता है। तो चलिए, धनिया हमने तोड़ लिया है और जाके हम लोग डालते हैं। देखिए, धनिया हम तोड़ के ले आए हैं, अब हम इनको चॉप करके इसमें डाल देंगे। धनिया को मैंने कट करके डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन को। आधा चम्मच के करीब इसमें अजवाइन जाएगी। नमक डालेंगे अभी हम इसमें, आपके स्वाद के अनुसार, जैसा आपको पसंद है, तीखा कम। ये मैं इसमें पिंक रॉक सॉल्ट जो है वो नमक को यूज़ करती हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, ये भी आधा चम्मच के करीब है। इसी में डालेंगे हम गरम मसाला जो कि घर में ही बनाया हुआ है हमने, एक चम्मच उसका है। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी, हरी मिर्ची मैंने कट करके इसी में डाल दी है और हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने आटा ले लिया है, इसमें अब हम डालेंगे ये दो चम्मच, ये जो हमारा मिक्सचर है गोभी का, इसमें डाल देंगे। ये हमने ऐसे इसमें डाल दिया है मिक्सचर को, अब हम इसको बंद करेंगे। हमने ऐसे मिक्सचर में डाल दिया, मिक्सचर को इसमें डाल दिया है, अब हम इसको ऐसे बंद कर देंगे जिससे ये क्या है कि बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे बंद करके हमने एक पेड़े की तरह इसको फिर से बना दिया है। अब हम इस पर ये सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे। देखिए, बेलन हमने इसके ऊपर हल्के हाथों से ही चलाना है, अगर हम जोर से चलाएंगे तो इसका मटेरियल जो है वो सारा बाहर निकल जाएगा। अभी हम गैस को मीडियम ही रखेंगे, मीडियम पे ही हम इसको पकाएंगे जिससे ये क्या है कि क्रिस्पी बनेगा। ये हमने पराठे को डाल दिया है, ये मेरा तवा भी लोहे का है, लोहे के ऊपर जो खाना हम बनाते हैं ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, आयंस मिलते हैं हमें। अब हम इसको पलटेंगे। देखिए, धीमी आंच पे पराठा जो है वो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनता है और जलता नहीं है, अगर हम तेज सेक पे पकाएंगे तो ये जल भी जाएगा। देखिए, हमारा पराठा जो बन चुका है, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी को। दूसरी तरफ से भी हम इसको लगा देंगे। फ्लेम देखिए, हमने धीमी रखी हुई है आंच, और इस पर धीरे धीरे धीमे धीमे आंच पे ही ये पकेगा। देखिए, हमारा पराठा रेडी हो चुका है, आप इसको दही के साथ, बटर के साथ खाइए और मुझे भी बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय।